गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग, बूंदा बाबू कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। शुभम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाने फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। दमोह कोतवाली पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते IPL का सट्टा लगाने की खबर मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई, जिनमें दो आरोपियों के पास से लाखों का IPL सट्टा का हिसाब किताब, मोबाइल व कुछ रुपये जब्त किए गए हैं। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको लेकर कोतवाली थाना प्रभारी के द्वारा विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया। क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। दमोह जिले में सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार जुआ सट्टे पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने हेतु निर्देश किया जा रहा है। जैसा कि वर्तमान में भी कुछ लोग IPL मैच जो चल रहे हैं उस पर भी हार जीत का दावला अगर जुआ सट्टा खेलते हैं, जिस पर भी सीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार आदेशित किया जा रहा है कि इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो। जो थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा कल रात में करीब 8 बजे के समथिंग एक मैच पंजाब वर्सेस कोई एक मैच चल रहा था, जिसमें मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का जिसका नाम गणेश चक्रवर्ती है, जो फिल्टर कॉलोनी के पास में ये मैच पर जो मोबाइल पर मैच का हार्दिक का दाव लगाकर सट्टा खेल रहा है, जो तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ा गया और इससे पूछताछ की गई। इसका मोबाइल जब्त किया गया, इससे करीब 7,000 रुपये नकदी और इसके मोबाइल में जो भी स्क्रीन शॉट थे और एक कॉपी जिसमें करीब 1,34,000 की जो बुकिंग थी इसकी मैच की IPL की, वो विवेचना में लिया गया। और इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि एक रिंकू यादव तथा उमा यादव, ये सिविल वार्ड नंबर 7 का है, इससे इसने मैच खेलने के लिए ID ली थी, तो इसको भी 109 के तहत आरोपी बनाया गया है। 4 का सट्टा अधिनियम और 109 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।